होता पहले, तो मैं सहते सहते मेरा सहने ही बताया, उसका मैं नफरत ही इतनी हो गई मेरे को, जिस लक्ष्मी जैसे बीवी को माना हो आज उसके लिए कमाता हूँ वही मेरे साथ होता है। आपको पछतावा हो रहा है? मैं पछतावा नहीं हो रहा, उसमें तो मैं बच्चों को पालना चाहता हूँ, पछतावा नहीं हो रहा। वो जिंदगी प्रोजेक्ट मिलिया जिस उसने काम करना से, पर इस दौरान उसकी पत्नी के संबंध उसके अपने ही दोस्त के नाल हो गए। बस फिर किसी पत्नी जो पति काम से जाता से तो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेंदी सी। हौली हौली गल बाहर आनी शुरू हो गई, मकान मालका ने भी कहना शुरू कर दिता कि घर कोई अजनबी आंदा है। बस फिर किसी पति ने शक होया तो उसने अपनी पत्नी को सौं खुआ के सारी गल पूछ ली। जदों पत्नी ने अपनी सारी गल दस दी तो पति गुस्से च लाल पीला हो गया, उसने अपनी पत्नी का कतल कर दिता तो उसनु कंबल च वाड़ के अग ला दिती। यही नहीं, इस तो बाद अपने तीनों बच्चों लैके वह डिनर करन चला गया तो फेसबुक पर पा दिता कि हुण मेरी पत्नी इस दुनिया च नहीं रही। जो दोस्तों ने देखा है तो बाहर डिनर करन आया है तो पत्नी कित्थे है, तो इसने कोई जवाब नहीं दिता। फिर पुलिस को खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने भी मौके पर देख लिया कि घर के विच कंबल च लपेट के अग लाई गई है, जिस तो बाद इस गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम आप ही सुन लवो कि कह रहा है हुण यह शख्स। दैनिक भेल पंजाबी टीवी ले नवा शहर तो जितेंद्र पा क्लेयर दी रिपोर्ट। अनिल कुमार कितना मध्य प्रदेश का की काम कर रहे थे? जी आर कंपनी मैनेजर। अच्छा, कदों तो इतने आ? सर कितनी देर तो इतने काम कर रहे हैं? यहाँ भी आया था 7 फरवरी से। अच्छा, तो आप पहले वहाँ मेरठ में था, टास्क मेरठ में। क्या कह रहे हो, आपने अपनी पत्नी को मारा और उसको जला दिया, क्या वजह? पत्नी के गलत संबंध थे मेरे दोस्त से। जब मैंने 26 जनवरी को लेकर गया था ना हरिद्वार, वहाँ से आया तो मेरे मोबाइल से उस लड़के का नंबर निकाल के और उसको जो भी चक्कर चला, एक दो बार फोन भी पकड़ा तो मेरे भाई का नाम ले जी कि देवर जी से बात करें। इससे उससे मैंने फिर गौर नहीं किया, मेरी बेटी बताई कि पापा जी उस अंकल से बात करके जो घूमने गए थे, तो मैंने फिर भी गौर नहीं किया, छोड़ दिया। फिर कई बार उसने रूम में जब मैं ड्यूटी चला जाता दिन में, बुलाती थी उसको फोन करके और बच्चों को रूम से बाहर भगा देती सबको। छोटा बच्चा था वो सीढ़ी में रोता रहता था, फिर मेरी बेटी रूम में लेके आती, वो मकान मालिक वो सब देखे कि भाई अनजान कौन बंदा आता है, वो सोचो हो सकता मैं कंपनी को बंदा भेजा हूँ, क्योंकि यहाँ आने वाला था टाटा स्काई खोलने के लिए ऐसे कुछ करके। फिर उन्होंने मेरे बताया मकान मालिक, मैंने कोई जवाब नहीं किया, चलो ठीक है इससे पूछें हकीकत क्या है। फिर भी ये नहीं बताई, मैं 7-15 दिन से यही घुट घुट के जी रहा हूँ, क्योंकि जिस जिनसे हकीकत जाना तो इसके लिए से सुनना क्या था, नहीं बता रही। फिर अभी 3 दिन पहले इसकी फोटो पकड़ाया माता जी की, मैं बोला अब बता क्या है हकीकत, तब बताएगी। वो लड़का आया, मैं पहले तो बोली नहीं आया, फिर बोली भाई, मैं बोला भाई का नंबर ये आया था कोई, फिर बोली हाँ आया था, फिर बोले आया था बस चला गया वापस। फिर मैं बोला यार मकान मालिक से बता रहा, 1.5 घंटे तक भी करा रूम और बच्चे रोते रहे गेट के बाहर, तब वो करते करते फिर हाँ बताई पूरा कि हाँ ऐसे ऐसे में कि और मैं ऐसी हूँ, मैं उसी के साथ। क्या नाम था आपकी पत्नी का? है क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? अनुपा। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 27 साल। कब का रिलेशन चल रहा था, कब आप आपका दोस्त आए? अभी तो 26 जनवरी से 10 नंबर हुए, इससे पहले भी 8-8 घंटे 6-6 घंटे बातें करती थी मोबाइल में। इसके पहले भी एक दो बार हुआ था, तो घर वालों ने समझा के इसको माफीनामा करा दिया, 2-3 बार हो चुका था ये, तो मैं सहते सहते मेरा सहने ही बताया, उसका मैं नफरत इतनी हो गई मेरे को कि जिस लक्ष्मी जैसे बीवी को माना हूँ आज उसके लिए कमाता हूँ वही मेरे साथ धोखा कर रहा है। आपको पछतावा हो रहा है? नहीं, पछतावा नहीं हो रहा, पछतावा तो मैं बच्चों को पालना चाहता हूँ, बस पछतावा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जिंदगी। ये सानू राती इतला आई सी कि जिहड़ा अनिल कुमार विश्वकर्मा है ना, ये इत्थे हाईवे अथॉरिटी जिहड़ा रोड ते काम चल रहा, उत्थे असिस्टेंट मैनेजर बतौर काम करदा सी। उन्हां दे जाने कि स्टाफ वल्लों सानू इक इतला आई सी रात नूं कि इन्हें सानू शक है, इन्हें अपनी वाइफ नाल कोई जाने कि इन्हू की कर दिती है। उस मौके ते असीं जब मौके ते पुज्जे तो इन्होंने अपनी वाइफ दी जाने कि कतल करके उन्हू सड़ दिता सी, ते उदों बाद इन्हू मौके ते ही असीं मुकदमा दर्ज करके 302 दा ते इन्हू गिरफ्तार कर लेता। अज मार्च किया जाऊंगा, उदों बाद इहदा रिमांड लेता जाऊंगा। परिवार दे ते वाइफ सी, इहदे 3 बच्चे सी जो छोटे है काफी। हांजी।
मेरठ तो इथे ट्रांसफर हुई सी जानी के मेरे ख्याल 10-15 दिन ही हुए इथे बंगे आए नो तो इतने किराए तेने मकान लिता उसी उ इन्हें अपनी वाइफ का कतल किया एनआरआई कलोनी च है। फिल्मा शास्त्री का खुला चैलेंज फोन पे पत्र कहते समाधान प्यार मोहब्बत लव मैरिज सौतन दुश्मन नशे तो छुटकारा डिवोर्स प्रलम चाबी टोना करवाना या तुड़वाना वशीकरण मुक्तनी के माहिर ए टू जेड समस्या का ग्रंटेड समाधान तांत्रिक मालवियों पंडित को निराश एक बार जरूर अजमान 8148-13896 पंडित एम के शर्मा फीस नहीं इनाम लवांगा धोखा नहीं कम करांगा माता रानी ने चाहिया ता खून दे हंजू नहीं आन देवांगा पंडित मौलवी तो विश्वास खो चुके एक बार जरूर अजमाओ पंडित एम के शर्मा प्रेमी प्रेमिका नु मिलाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा विदेश यात्रा च रुकावट माता पिता नु मनाना एक बार मिलाओ फोन ते जरूर अजमाओ अपनी किस्मत करो संपर्क 97793-95956।